बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। तो सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्रेड मलाई रोल, जिसको बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ मैंने एक कप चीनी ली है और आधा कप मैंने ड्राई मिल्क लिया है, एक कप मैंने फ्रेश मिल्क लिया है, पांच मैंने ब्रेड की स्लाइस लिए हैं और यहाँ कुछ हमारे नट्स हैं जो यूँ हैं। दो टेबलस्पून मैंने बादाम लिए थे, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और तीन टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पिस्ता है, एक टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ अनारियल लिया है और एक टेबलस्पून मैंने दूध लिया था जो पककर हाफ लीटर रह चुका है। और ये जो हमारे नट्स हैं ये हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। हाफ कप अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। टू टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ड्राई मिल्क ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से ड्राई मिल्क अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और मलाई तैयार करेंगे। मैं यहाँ देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। एक टीस्पून मैंने लिया है देसी घी। इसको अच्छे से मेल्ट कर लूँगी और इसमें फ्रेश दूध ऐड कर देंगे। अब फ्रेश दूध ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें फ्रेंड, दूध पकने लग गया है। अब हम फ्लेम को स्लो करेंगे और साथ साथ ड्राई मिल्क ऐड कर देंगे और साथ साथ मिक्स करेंगे। फ्लेम स्लो कर लिया है, अब हम ड्राई मिल्क ऐड करेंगे और साथ साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं बन जाए। इसको हम इसी तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि मलाई पर अब हम हाफ कप बची हुई शुगर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैं इसमें कंटिन्यूसली स्पून को स्टर करती रही थी और ये मलाई बनकर बिल्कुल रेडी होने वाली है। इस पॉइंट पर हम फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। मलाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। मैंने यहाँ देसी घी का यूज़ किया है, आप इसमें बटर यूज़ कर सकते हैं, उससे येलो कलर आएगा। अब हम इसको ब्रेड को ऐसे बेल लेंगे और इसमें मलाई रखकर रोल बना लेंगे। छोटा सा पोर्शन हम मलाई का लेंगे और ये ऐसे रोल बना लेंगे और ब्रेड में रख देंगे। इसी तरह मैं सारे रोल तैयार कर लूँगी। लास्ट में हम थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे, ये देखें। इसी तरह मैं सारे रोल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम दूध ऐड कर देंगे। हम नट्स की गार्निशिंग कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।